हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स अपने पिछले वीडियो में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात की थी उसकी कंस्ट्रक्शन की और उसके ट्रूथ टेबल की। अपनी उस बातचीत को दोस्तों इस वीडियो में हम आगे जारी रखते हैं। दोस्तों जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, वहां पर मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जेके फ्लिप फ्लॉप एक इंप्रूवमेंट माना गया ओवर अ स्टैंडर्ड सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। इंप्रूवमेंट इसलिए क्योंकि जो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप की इलीगल कंडीशन हम देखते थे, जबकि आउटपुट और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट दोनों पुश करते थे टुवर्ड्स बीइंग हाई, वो कंडीशन अवॉइड की गई जेके फ्लिप फ्लॉप में बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा दोस्तों पिछले वीडियो में जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप का कंस्ट्रक्शन हमने आपको दिखाया था डायग्रामेटिकली, वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से जे और के इनपुट्स लूप किए जाते हैं आउटपुट और आउटपुट कॉम्प्लीमेंट के साथ। अपनी इस कंस्ट्रक्शन की मदद से एक फायदा तो यह हुआ जेके फ्लिप फ्लॉप का कि उसमें कोई इलीगल इनपुट्स की कोई कंडीशन नहीं होती। चार स्टेट्स वैलिड हैं। वैलिड से मेरा मतलब है चारों की चारों स्टेट्स। चार स्टेट्स से मेरा मतलब तब जब क्लॉक पल्स हाई होगा, क्योंकि आपको याद हो जेके फ्लिप फ्लॉप एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, यानी जब क्लॉक पल्स जो है लो से हाई की तरफ ट्रांजिट करेगी, लो से हाई की तरफ मूव करेगी, तब जो उसके दोनों इनपुट्स हैं तब उसका मतलब यह होगा कि क्लॉक पल्स एक्टिवेट हो गई, हाई हो गई, और तब जो बाकी दो इनपुट्स हैं जे और के वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनके होने से असर पड़ेगा सर्किट पे। लेकिन दोस्तों जेके फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम देखी गई कंस्ट्रक्शन में। वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लीजिए क्लॉक पल्स हाई है, क्योंकि क्लॉक पल्स अगर लो है तब तो जे और के का हाई या लो होना कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक्टिवेट ही नहीं हुए। क्लॉक पल्स इनेबलिंग पल्स होती है दोस्तों, ये इनेबल करती है बाकी इनपुट्स का एक्टिवेशन, उनका असर पड़ना, उनके असर पड़ने को ये इनेबल करती है। लेकिन जब क्लॉक मान लीजिए वन है, अब हाई है, यानी क्लॉक इनपुट जो आ रहा है फ्लिप फ्लॉप में वो हाई है। अब अगर वो हाई है और उसी केस में जो लास्ट की कंडीशन याद कीजिएगा ट्रूथ टेबल की, अगर जे और के दोनों उस टाइम पर हाई है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो दोस्तों आपको याद होगा जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, आपको बताया था ट्रूथ टेबल एक्सप्लेन करते टाइम कि जब दोनों इनपुट्स जे और के हाई होते हैं तो जे के फ्लिप फ्लॉप का टॉगल कंडीशन आता है। टॉगल कंडीशन का मतलब है स्विच करना बिटवीन हाई टू लो एंड लो टू हाई, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए जे और के दोनों हाई रहेंगे, तब जब क्लॉक पल्स हाई है, क्योंकि क्लॉक पल्स हाई है तभी जे और के की कुछ रेलेवेंस है। मान लीजिए क्लॉक पल्स हाई है और जे और के हाई हैं, दोनों के दोनों इनपुट्स हाई हैं और सर्किट जो है वो टॉगल कंडीशन में है। लेकिन अगर ये टॉगल कंडीशन ज्यादा देर तक चले तो फाइनल आउटपुट होगा क्या? क्योंकि टॉगल में ये आपको ध्यान देने की बात है दोस्तों, टॉगल का मतलब है इनडेफिनेट आउटपुट है, क्योंकि टॉगल का मतलब है स्विच हो रहा है हाई से लो, लो से हाई, तो फाइनल आउटपुट है क्या? क्या वो लो है, क्या वो हाई है? ये एक प्रॉब्लम देखी गई जिसे कहा गया दोस्तों रेस अराउंड कंडीशन। ये जेके फ्लिप फ्लॉप में एक फ्लॉ था, एक परेशानी थी। रेस अराउंड इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस केस में जो आउटपुट है वो डेफिनेट नहीं है। अगर एक लंबे समय तक जे और के दोनों हाई रहे, यानी जब क्लॉक पल्स हाई है और जे और के दोनों हाई हैं एक लंबे समय तक, तब तो सर्किट का उस स्टेट में कोई आउटपुट नहीं होगा ना, वो तो टॉगल करता रहेगा हाई से लो, लो से हाई, यानी अल्टीमेट आउटपुट जो इनडेफिनेट है, हमें पता नहीं वो हाई है या लो है क्योंकि वो टॉगलिंग कंडीशन में है। आउटपुट कि इस कंडीशन को कहा गया रेस अराउंड कंडीशन। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आगे कंस्ट्रक्शन हुई मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप की, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। आइए आप अपना ध्यान ब्लैक इस व्हाइट बोर्ड पर दीजिए प्लीज, और यह देखिए दोस्तों यहां पर नैंड गेट्स की मदद से दो अलग अलग लैचेस का इस्तेमाल हुआ है। एक तो वो लैच है जो ड्राइव करती है सर्किट को, जिसे कहा जाता है मास्टर लैच। लैच ये इसलिए बिकॉज पूरा का पूरा सर्किट तो एक फ्लिप फ्लॉप है और लैच जो है ये इसकी बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी ये ड्राइविंग लैच है, ये ड्राइव करेगी सर्किट को, और ये स्लेव लैच है, मास्टर लैच और स्लेव लैच। ये स्लेव लैच है, ये ड्राइव होगी। कंस्ट्रक्शन आप इसकी देख सकते हैं दोस्तों, इस नैंड गेट के जरिए कंस्ट्रक्ट किए गए जेके फ्लिप फ्लॉप में। आप इसे एक जेके फ्लिप फ्लॉप की तरफ देखिए इस सेक्शन को, और इस सेक्शन को दूसरे की तरफ। यह है ड्राइवर सेक्शन यानी मास्टर सेक्शन, जिसमें कि मास्टर लैच है, और यह है ड्रिवन सेक्शन यानी कि वो सेक्शन जो चलाया जा रहा है, जो जिसमें कि स्लेव लैच है। यह फॉलो करवा रहा है इसलिए इसको रेफरेंस के लिए हम कहते हैं मास्टर, और इसे यह फॉलो कर रहा है इसलिए इसको कहते हैं स्लेव।
कंस्ट्रक्शन में दोस्तों सिंपल, एक क्लॉक पल्स, दो कॉमन इनपुट्स स्टार्टिंग में, और यही दोनों कॉमन इनपुट्स एक इन्वर्टर, एक नॉट गेट के जरिए आगे फीड किए जाते हैं, नेक्स्ट एक्ट करते हैं क्लॉक पल्स नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए, जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसी है दोस्तों, ये हमने दो अलग अलग इनपुट्स दिए, जे इनपुट और के इनपुट, और यहां पर आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि किस तरह से जे इनपुट को फाइनल आउटपुट कॉम्प्लीमेंट के साथ, और ये ध्यान से ये यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम जे के फ्लिप फ्लॉप की कंस्ट्रक्शन देखी थी वो हमने देखी थी यूजिंग नॉर गेट लॉजिक। नॉर लॉजिक में हम जे को लूप कर रहे थे और उसके बाद के को लूप कर रहे थे आउटपुट और आउटपुट कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये जे इनपुट, ये जो तीसरा इनपुट यहां आ रहा है, ये इनफैक्ट एक तरह का फीडबैक है, ये देखिएगा ये फीडबैक है, लेकिन ये आउटपुट से नहीं है। तभी मैंने यहां पर ये जो मैंने यहां लाइन दिखाई, इसका मतलब ये इससे अलग है। ये जो आ रहा है हमारे पास जे इनपुट, इसका मतलब है ये इसके साथ शॉर्ट नहीं है, अलग है इससे, बल्कि शॉर्ट है आउटपुट कॉम्प्लीमेंट के साथ। और इसी तरीके से के इनपुट जो आ रहा है दोस्तों, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट या आउटपुट कॉम्प्लीमेंट के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उससे अलग है और फिर ही फ्यूज हो रहा है, या किसके साथ जुड़ा हुआ है, आउटपुट के साथ। यानी इस केस में, इस नैंड लॉजिक में, के जो है वो फाइनल आउटपुट के साथ हमने लूप किया हुआ है, और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट हमने लूप किया हुआ है जे इनपुट के साथ। और ये है कॉमन क्लॉक पल्स, जहां पर हम क्लॉक पल्स देंगे। नाउ समझने वाली बात दोस्तों ये है, और याद रखने वाली बात यह है कि मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप में जो मास्टर लैच है या जो मास्टर पार्ट है सर्किट का, वो हमेशा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि जब क्लॉक पल्स जो हम दे रहे हैं, जब वो ट्रांजिट करेगी, इस मान लीजिए लो कंडीशन है, जब वो लो से हाई की तरफ ट्रांजिट करेगी, इस एज से वो एक्टिवेट होगा, ट्रिगर होगा। और जो स्लेव लैच है, जो स्लेव पार्ट ऑफ द सर्किट है, वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। यानी जब ये टाइमिंग पल्स ये देखिए, लो कंडीशन या हाई कंडीशन, टाइमिंग पल्स ये ऐसे बन रही है, ये आया पॉजिटिव एज ट्रिगर लो से हाई की तरफ, फिर एक लेवल मेंटेन रही हाई, फिर ये हाई से लो की तरफ जाएगा, फिर लो। ये जो एक क्लॉक पल्स मैंने आपको दिखाई, लो से हाई की तरफ गया, ये आया राइजिंग एज, ये जो एज है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये ड्राइव करता है मास्टर लैच को। यानी जब इनकमिंग जो हमारे पास क्लॉक पल्स आ रही है, जब उसका राइजिंग एज आएगा, तो ये सर्किट, मास्टर सर्किट ट्रिगर हो जाएगा, और इसके बाद कुछ देर तक हाई लेवल मेंटेन रहेगी, फिर जब नेगेटिव एज आएगा हाई से लो वाला, तब जाकर स्लेव सर्किट ड्राइव होगा। यानी टाइमिंग पल्स की कंस्ट्रक्शन ऐसी ही है, वेवफॉर्म ऐसी, यानी हर हाल में सबसे पहले मास्टर स्लेव ही ट्रिगर होगा और उसके बाद स्लेव सर्किट ट्रिगर होगा। क्यों? क्योंकि पहले राइजिंग एज आता है नेचुरली, पहले राइजिंग एज आया, ये ट्रिगर हुआ, कुछ देर तक हाई लेवल मेंटेन रहा, जैसे ही फिर डिप हुआ, फिर वो हुआ। यानी मास्टर लैच पहले हो रहा है, दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द ड्राइविंग, इसी रीजन से इसको हम कहते हैं ड्राइविंग फ्लिप फ्लॉप। इस केस में ये ड्राइव कर रहा है सर्किट के आउटपुट को, और इसके बाद फॉलो कौन कर रहा है? स्लेव। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा, ये जो हमने यहां कॉमन इनपुट दिया हुआ है थ्रू द नॉट गेट, ये क्लॉक पल्स, ये सेम क्लॉक पल्स हमने यहां भी इंप्लीमेंट की हुई है। यानी जब ये क्लॉक पल्स इस बेसिस पे, इस पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के बेसिस पे, हम ये कह सकते हैं कि जब ये क्लॉक पल्स यहां आता है, ये जो इनपुट हम दे रहे हैं क्लॉक का, ये क्लॉक पल्स का ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये और ये दो इनपुट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है गेट नंबर 1 और 2, लेट्स से मास्टर स्लेव के जो दो इनपुट गेट्स हैं, दो इनपुट नैंड गेट्स, उन पे इनपुट जा रहा है। यानी जब ये क्लॉक पल्स यहां आया, तो ये ऐसे एज था, राइजिंग एज, ये लो है, ये हाई है, ये एज यहां पर था, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इस एज का मतलब है जब ये पॉजिटिव होगा तो ये सर्किट ऑपरेट करेगा। लेकिन अब यही क्लॉक पल्स हमने इनपुट, ये जो कॉम्प्लीमेंट गेट है, नॉट गेट है, नॉट गेट के जरिए इनपुट किया फिर सेकेंड स्लेव गेट में। लेकिन जब वो वहां किया, अब ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो क्या होगा? यहां पर अगर हमें कहा जाए कि यहां पर टाइमिंग पल्स की डायग्राम या टाइमिंग पल्स की शेप कैसी होगी, वो शेप दोस्तों ऐसी होगी, फॉलिंग, ये हाई से लो। क्यों? यहां पर लो से हाई, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग से ड्राइव हो रहा है, यहां पर हाई से लो,
क्योंकि ये जो स्लेव सर्किट है ये नेगेटिव एस्ट्रिगर्ड है, नेगेटिव पल्स से ड्राइव हो रहा है। दोस्तों इसका ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि क्लॉक पल्स जो है ये हाई रहता है लेकिन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई रहता है। इस शॉर्ट ड्यूरेशन तक हाई रहने का मतलब ये है कि जब क्लॉक पल्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक हाई रहा, इसका मतलब अगर जे और के इनपुट्स काफी लंबे समय तक, जैसा हम देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था इस की शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में, कि किस तरीके से रेस अराउंड कंडीशन एक प्रॉब्लम बन गई थी बेसिक जे के फ्लिप फ्लॉप में, इस केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्लॉक पल्स जो है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हाई रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्लेव सर्किट को भी तो ड्राइव होना है। यानी कहने का मतलब ये कि एक स्लेव, एक जो टाइमिंग पल्स है उसका हाई कंडीशन जब तक है सिर्फ उतनी देर तक जे और के इनपुट्स की रेलेवेंस है। अब मैंने आपसे कहा कि कुछ ही लिमिटेड पीरियड के लिए, बहुत ही नॉर्मल टाइम के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए या इंडेफिनेट पीरियड के लिए हाई नहीं रहता क्लॉक पल्स। उसका मतलब क्या दोस्तों? उसका मतलब ये कि जे और के अगर दोनों हाई हो भी जाएं, लेकिन अगर क्लॉक पल्स ही लो हो गया तो रेस अराउंड कंडीशन होगी ही नहीं। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप का, यही रीजन भी था इसके, इस अरेंजमेंट का, इसके डिजाइन पैटर्न का। दोस्तों इसके वर्किंग कंडीशन जानने के लिए, ये आप इसके सामने आप इसका ट्रुथ टेबल देख रहे हैं। अगेन जे सिमिलर है बिकॉज अल्टीमेटली जे के फ्लिप फ्लॉप का या मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप का जो वर्किंग ऑपरेशनल साइकिल है, जिस तरीके से ऑपरेट करता है वो सेम ही रहता है। क्लॉक पल्स का मैंने दोस्तों अपवर्ड साइकिल दिखाया है। अपवर्ड साइकिल इसलिए दिखाया बिकॉज हम यहां मास्टर द ड्राइविंग सर्किट की बात कर रहे हैं। सर्किट का फाइनल आउटपुट जो है वो निर्भर करेगा ऑपरेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, लेकिन इसका ऑपरेशन, स्लेव का ऑपरेशन डिपेंड करेगा मास्टर के ऑपरेशन पे। क्यों? क्योंकि इसी का क्लॉक पल्स और इसी के अल्टीमेट फीडबैक मैकेनिज्म से ही ये ड्राइव हो रहा है, इसी का आउटपुट अल्टीमेटली। ये देखिए आप, यहां से जो इसके आउटपुट निकले, यहां पर जहां मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जो इसके आउटपुट निकले मास्टर सर्किट के या मास्टर फ्लिप फ्लॉप के, यही तो इनपुट्स बनकर जा रहे हैं स्लेव में। इसलिए स्लेव की वर्किंग डिपेंड करती है मास्टर लैच पे। मास्टर लैच कब ड्राइव होगी? जब क्लॉक का पॉजिटिव एज होगा। दोस्तों जब दोनों इनपुट्स 0-0 हैं, जब दोनों इनपुट्स लो हैं, तो एनसी का मतलब है नॉट चेंज्ड या नो चेंज। नो चेंज का मतलब है दोस्तों लैच, यानी स्टोर्ड कंडीशन में है। इससे पहले अगर मान लीजिए सर्किट हाई था तो हाई ही रहेगा, लो था तो लो ही रहेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं एनसी, नो चेंज कंडीशन। अब आपको याद होगा दोस्तों, मैं फिर बता चुका हूं, जैसे सेट रीसेट के केस में या फिर डेटा फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप के केस में भी, कि डी इनपुट जब हाई होता है आउटपुट तभी मिलता है, और वैसे ही जैसे एसआर या सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप के केस में कि सेट इनपुट जब हाई होता है आउटपुट तभी मिलता है, सेम जे इनपुट जब लो है आउटपुट लो रहेगा, यानी नो इनपुट, नो आउटपुट, और जे इनपुट जब हाई है तो आउटपुट मिलेगा। आउटपुट के इस होने को दोस्तों सेट कंडीशन कहा जाता है। जब आउटपुट हाई है उसे कहा जाता है सेट कंडीशन, आउटपुट के लो होने को कहा जाता है रीसेट कंडीशन, सेट का रिवर्स। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये नो चेंज स्टेट है जब दोनों लो है, लेकिन जब दोनों हाई हो ये आ जाता है टी यानी टॉगल। टॉगल यानी जैसा मैं बता चुका हूं, हाई से लो आउटपुट ट्रांजिट करेगा, मूव करेगा फ्रॉम हाई से हाई टू लो एंड लो टू हाई। बट फायदा क्या है जे के इस मास्टर स्लेव अरेंजमेंट का, कि जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह यहां एक लंबे पीरियड के लिए क्लॉक पल्स हाई नहीं रहेगा जब जे और के दोनों हाई हैं इनपुट्स, बल्कि क्या होगा, क्लॉक पल्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हाई रहेगा, उसके बाद वो लो होगा। जब वो लो हो जाए उसका मतलब यह है कि जे और के की स्टेट सब फर्क नहीं डालती सर्किट पे, तो वो रेस अराउंड कंडीशन जो हम बात कर रहे थे कि सर्किट का इंडेफिनेट आउटपुट अगर टॉगल ही करता रहा लंबे समय तक तो डेफिनेट आउटपुट मिलेगा क्या हमें? अगर हाई से लो, लो से हाई स्विचिंग ही चलती रही तो अल्टीमेटली स्विचिंग का नतीजा क्या, आउटपुट क्या, वो प्रॉब्लम यहां पर अवॉइड हो जाती है। दोस्तों ये थी चार वर्किंग स्टेट्स और ये थी बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में टी फ्लिप फ्लॉप की, जिसे कहा जाता है, जो टी फ्लिप फ्लॉप है दोस्तों, जो एक्चुअली में होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, और इन शॉर्ट उसे कहा जाता है टी फ्लिप फ्लॉप। हम उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके ट्रुथ टेबल को डिस्कस करेंगे, ये सब हमारे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों फ्लिप फ्लॉप्स को लेकर या किसी प्रीवियस टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी ऐसी चीज जो आप जानना चाहते हो हमसे, या जो चीज आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कहीं पर, चाहें तो हम रिपीट कर सकते हैं, ये सारे अपने कंसर्न्स आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, हमें उसका उत्तर देने में, उसमें रिस्पॉन्ड करने में बहुत खुशी होगी।
कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।